वेलकम बैक टू राजन करने लगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था कि हमारे पास कितने किस्म के चार्जेस थे स्टूडेंट। दो तरह के चार्जेस थे, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज था और एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था। डन। अब इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, इस चैप्टर में हम इनके फ्लो को देखेंगे और इनके फ्लो से हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं उनको हम क्या करने वाले, स्टडी करने वाले। ओके, अब इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास कैसे प्रोड्यूस होता है, क्वेश्चन ये हमारे पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास या तो किसी भी जो भी हमारे पास कंडक्टर होगा जिस चीज में से हम फ्लो करा रहे होंगे, या तो वो हमारे पास नेगेटिव जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके फ्लो से हमारे पास क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। ओके, या फिर हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है उसके फ्लो होने से क्या हो जाता है, हमारे पास करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। या फिर हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के फ्लो करने से क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। जो अगर हम मेटल्स की बात करें, जिस तरह ये मेटल की वायर यहाँ पे गई है, मैंने यहाँ बल्ब अटैच किया, हम इसको प्रॉपर प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, तो इसमें हमारे पास जो फ्लो हो रहा होता है वो क्या, कौन सी चीज में कौन सा चार्ज फ्लो होता है, वो इस पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होता है। स्टूडेंट मेटल्स में क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होता है, साथ साथ नोट्स बनाते रहो। और हमारे पास जो पॉजिटिव है, वो जो पॉजिटिव है वो हमारे पास बीम ऑफ पार्टिकल एक्सीलेटर, हमारे पास एक मशीन सी होती है और उसमें जो होता है प्रोटॉन मूव हो रहा होता है और वो डिफरेंट कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। ओके, और तो उसमें जो हमारे पास चार्ज मूव होता है उसमें एक्सीलेटर में वो हमारे पास पॉजिटिव प्रोटॉन मूव हो रहा होता है। और अगर हमने गैसेस में से जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं तो गैसेस जो इलेक्ट्रोलाइट में जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के मूव होने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इज इट क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है। अब समझ तो आ ही गई होगी यार मोम। देखो स्टूडेंट, अब यह है कंडक्टर और मैटर। मेटल में मैंने कह दी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूव होते हैं। ओके डन। ओके, तो ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव होंगे, अगर मैं देखूं तो यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे करके क्या होंगे, मूव होंगे, क्योंकि यहां पड़ा हुआ है नेगेटिव। तो इस वक्त जो करंट फ्लो होगा वो कुछ इस तरह करके क्या होगा, फ्लो होगा हमारे पास। ओके, यानी कि जो नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे वो यूं 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 करके क्या हो रहे होंगे, पॉजिटिव की तरफ आ रहे होंगे। मैंने यहाँ पे इसको 12 वोल्ट बैटरी के साथ, अडॉप्टर के साथ लगाया, आप बैटरी के साथ भी लगा सकते हो, ये आप पे। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं यहाँ पर, इसको मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ ताकि हम डेफिनेशन हमारी अच्छी से क्लियर हो जाए। और अब मैं इसको बटन को ऑन करूंगा, तो आपने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, बल्ब क्या हो गया हमारे पास, जो बल्ब है वो इस वक्त ऑन हो चुका है, ठीक है। अब ये कैसे ऑन हुआ, इसको हम अगर डेफिनेशन देखें तो देखो जो टाइम लगा है ना, टाइम रेट ऑफ फ्लो, जो टाइम लगा है रेट ऑफ फ्लो किस चीज का, इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस इस सिनेरियो में क्या है, क्योंकि हमारे पास एक कंडक्टर में से जा रहा है, तो इस सिनेरियो में जो इलेक्ट्रिक चार्ज जा रहा है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या कर गया, मूव कर गया। डन। ओके, तो द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब कहां से फ्लो करेगा, अब ये किस में से फ्लो किया, थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल, हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया में से करेगा। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो किस चीज का स्टूडेंट, वो इस वायर का है, वो इस कंडक्टर का है। तो जो हमारे पास टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको हम क्या बोल देंगे, वो मेरे पास क्या है, वो इलेक्ट्रिक करंट है। ओके डन, मैं इसको ऑफ करने लगा हूं। ओके, देखो तो क्या हो गया, बंद हो गया इस वक्त यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर इस वक्त क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने फ्लो हुआ, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव हुआ और ऐसे, तो ये बल्ब में से भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरा, और जब यहाँ से गुजरा तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास रोशनी आ गई और वापस किसी तरफ आ गया, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ गया। ओके, अच्छा अब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या स्टूडेंट, सपोज कर लो यही वायर है, ये जो मैंने यहाँ पे वायर ली हुई है, और इस थोड़ी मतलब मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ वायर को, हमें पता है वायर आगे से क्या होगी, कुछ ऐसी ही होगी, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इस एरिया को बोलते हैं, ये जो इसके अंदर वाला एरिया, डन, ये जो अंदर वाला जितना भी इसके एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जितना जो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, इन दिस केस वी हैव इलेक्ट्रॉन, व्हेन इट पासिस थ्रू फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब अगर हम इसका सिंपल से फॉर्मूला लिखे तो बहुत आसान है। देखो स्टूडेंट, यानी कि करंट को हम किस से डिनोट करते हैं, आई से। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस हो रहे हैं, ठीक है, किससे, जो विद रिस्पेक्ट टू क्या जा रहा है, हमारे पास टाइम के साथ गुजरते हुए जा रहे हैं चेंज टाइम, इसको हम क्या बोलेंगे कि मेरे पास क्या ये करंट है। अब जाहिर सी बात है, जिस तरह हम डिफरेंट चीज़ों को लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, इस तरह हमने
जो करंट होगा उसको भी तो किसी चीज में मेजर करना है ना, तो इसको हम किस में मेजर करेंगे? इसका जो यूनिट है वो हमारे पास क्या होता है, एम्पेयर। तो इसका जो एस आई जो मेरे पास यूनिट है वो क्या आ गया, एम्पेयर आ गया। इसको मैं एम्पेयर में क्या करूंगा, सिंपल इसको मेजर करूंगा मैं, ओके। और अगर मैं कहूँ 1 एम्पेयर किस चीज के बराबर होगा, तो 1 एम्पेयर स्टूडेंट बराबर होगा, तो हमें पता चार्ज हम कूलम में लेते हैं, लास्ट हमने चैप्टर में देखा था। तो जब 1 कूलम के चार्जेस क्या होंगे हमारे पास, गुजरेंगे, ठीक है, कितने, 1 सेकेंड में, एक सेकेंड में जब गुजरेंगे तो हम कहेंगे हमारे पास 1 एम्पेयर क्या हुआ, करंट है यहाँ पे, ओके। अच्छा, और हमें यह भी पता है कि 1 कूलम के अंदर मेरे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ ना, 1 टन जो होता है, 1 टन जो होता है, उसके अंदर कितने किलोग्राम होते हैं, 1000 किलोग्राम होते हैं, डन। तो इससे अगर 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर आपसे कोई ये पूछे, तो आप स्टूडेंट आपने बता देना 6.242 × 10^18 क्या होंगे मेरे पास, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके। जब इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में गुजरे, ठीक है, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से, तो हम कहते हैं वहां पे कितना हमारे पास करंट आ गया, वहां पे 1 एम्पेयर का मेरे पास क्या है, करंट आ गया है, ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टूडेंट्स में टॉपिक है वो है कन्वेंशनल करंट। अब ये क्या चीज है, इसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट। जो कन्वेंशनल करंट है, असल में जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, तो हम ये बात करते थे कि हमारे पास जो चार्ज, जो सर्किट में जो चीज मूव हो रही है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव मूव हो रहा होता है, प्रोटॉन मूव हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं हो रहा होता, जब डिस्कवरी नहीं हुई थी इलेक्ट्रॉन की। तो यहां से अगर इसको मैं हटाऊं, तो इसका मतलब है, देखो इसको अगर हम हटा दें यहां से, ओके, इसका मतलब कुछ ये हो रहा है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, तो चार्जेस पॉजिटिव से किसकी तरफ जा रहे थे, नेगेटिव की तरफ जा रहे थे। तो इस चीज को हमने नाम क्यों कन्वेंशनल करंट का नाम दे दिया। अब तो आ गया, इलेक्ट्रॉन बाद में डिस्कवर हो गया, लेकिन स्टिल हम बाज दफा इसको इसी तरह लेते हैं कि जो चार्जेस है वो पॉजिटिव से किसकी तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो अपने कन्वीनियंट के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से चलता हुआ आ रहा है, तो उस चीज को कायम रखते हुए, बात तो एक ही ना, फर्स्ट कर लो स्टूडेंट, अभी यहां से अगर प्रोटोन की बात करूं मैं, और यहां से 1 प्रोटोन 1 सेकंड में यहाँ पे यहाँ आ गया, डन हो गया, ओके। तो ये तो ये हमारे पास क्या था, कन्वेंशनल करंट था, लेकिन बाद में डिस्कवरी हुई तो हमें क्या पता चला कि नहीं यार, प्रोटॉन नहीं जाता, हमारे पास जो होता है इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर्किट में, ये। अब बात तो वही हो रही है ना, अगर 1 सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 1 सेकंड में 1 प्रोटॉन जा रहा है, तो उसमें हमारे पास डेफिनेशन में तो कोई चेंज नहीं होगा ना, हो तो हमारे पास चार्जेस ही फ्लो हो रहे हैं ना, तो उससे तो कोई चेंज नहीं आने वाला, तो वो तो ठीक है, हमारे पास एग्जांपल क्या रहेगी, वो ठीक ही रहेगी, ओके। यानी कि अगर 1 सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन जाए, 1 सेकंड में 1 प्रोटॉन जाए, इससे कोई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, ठीक है, बात एक ही। तो आपने अक्सर अभी सर्किट्स में आप देखोगे, कभी कभार वो करंट को ऐसे फ्लो करवा देता है, कभी कभार ऐसे फ्लो करवा देता है। जब ऐसे फ्लो करवाता है तो ये कन्वेंशनल करंट कहलाता है। क्यों कन्वेंशनल करंट कहला रहा है, जब पॉजिटिव से जा रहा है, क्योंकि पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, और अब जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया तो वो यहाँ से मूव होता है, तो बार दफा इस तरह करके भी लिया होता है, सर्किट में फ्लो कर रहा होता है करंट, और बार दफा इस तरह भी करके लिया होता है, तो दोनों ही ठीक है, कुछ इसमें गलत नहीं है, क्योंकि उतने टाइम में उतने ही या तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे या उतने ही प्रोटॉन जाएंगे, तो बात तो दोनों में क्या है, सेम ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जितने एम्पेयर होंगे वो तो उतने ही कैलकुलेट हो जाएंगे ना, ओके। आई थिंक टॉपिक क्लियर हो गया, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेशन में आके पूछो। #peaceout मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।